जनपद में बंदरों के खौफ से लोग त्रस्त। चंदौसी में 20 दिन में 124 लोग बंदरों के हमलों से जख्मी। बंदरों को खदेड़ने के लिए ली जा रही है लंगूरों की मदद। संभल जिले में इन दिनों लोग उपद्रवी बंदरों के दहशत से खौफ ज्यादा है। उपद्रवी बंदरों के झुंडों के खौफ से बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। हालात ये है कि सिर्फ चंदौसी में ही बंदर 20 दिन में 124 लोगों पर हमला कर जख्मी कर चुके हैं। बंदरों के अचानक हमले और काटने से गंभीर घायल कई बच्चे और महिलाएं अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। नगरपालिका परिषद के अधिकारी बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग से अनुमति न मिलने की बात कह रहे हैं। हालात ये कि बंदरों के झुंडों को इलाके से खदेड़ने के लिए लंगूरों की मदद ली जा रही है। इलाके के लोग उपद्रवी बंदरों के खौफ से दहशत में हैं। बंदरों के झुंड अक्सर सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों और आबादी वाले इलाकों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमला कर जख्मी कर देते हैं। जनपद की चंदौसी तहसील में सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीरज ने जानकारी देते हुए बताया कि चंदौसी में 21 अगस्त से 12 सितंबर के बीच ही बंदरों ने 124 लोगों को काट कर जख्मी कर चुके हैं। इन सभी 124 लोगों का सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल प्राइवेट अस्पतालों में भी घायल अपना इलाज करा रहे हैं। शहर में बढ़ रही बंदरों की तादाद और बंदरों के खौफ से निजात दिलाने के लिए इलाके के लोग नगर पालिका परिषद के अफसरों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन परिषद के अफसर वन विभाग से बंदर पकड़ने की परमिशन न मिलने की बात कह रहे हैं। उपद्रवी बंदरों के खौफ से इलाके में हालात ये हैं कि बंदरों को खदेड़ने के लिए लंगूर वालों की मदद ली जा रही है। इलाके में लंगूर वाले लंगूरों की मदद से बंदरों के झुंडों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता, मुंसिफ रोड पर रहता हूँ। कई बार बंदरों ने मुझ पर झपट्टे मारे हैं, मेरे खाने का सामान छीन लिया और मेरी पत्नी तो इतनी डरती है कि भागती है देखकर जो है। और कई बार ऐसा होता है कि छतों से बच्चे गिर जाते हैं डर के, जो मेरे पास आते हैं और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो यहाँ जो संबंधित संस्थान है वो ये कोशिश करें कि बंदरों को जो है पकड़ के कहीं दूर जंगलों में छोड़ दिया जाए, इससे आम आदमी सुरक्षित महसूस करे अपने लिए। बस यही मैं जी, इससे तो जान माल हर चीज़ का खतरा है। इससे पूरी तरह से छोटे बच्चों को खतरा है, लेडीज को खतरा है। हमारे कपड़े जैसे ये सुखाने जाते हैं लेडीज हैं, उनको उतारने जाएं तो उन बंदर उन पर झपट पड़ते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, पेड़ पौधे खराब करते हैं। और समझ लीजिए आप जो भी है, मतलब हमारी इसका सामान का इतना नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके। पूरा शक्तिनगर इनसे ग्रसित है इस चीज़ के लिए। जान का बहुत खतरा है, ये छत पे चले जाओ एकदम फैल पड़ते हैं, कहीं से भी गिर सकते हो, पैर फिसल सकता है, छत से गिर सकते हो, हाथ में टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। पूरी तरह से खतरा है इनसे, और हमारी शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसके बारे में। हमें बहुत शिकायत है इस चीज़ के लिए, नगर पालिका और नहीं जिला प्रशासन कुछ कर रहा है इसके लिए। हम चाहते देखो, हमारे यहाँ कुत्ते काटे, बंदर काटे, सभी की इंजेक्शन लगने की पूरी व्यवस्था है और सभी का प्राथमिक उपचार या जो भी उपचार होना है वो सब किया जा रहा है। पिछले महीने मैं बता रहा हूँ 21 अगस्त से 12 सितंबर तक आज का डाटा ये है कि हमारे जो 124 लोगों को बंदरों ने काटा है, जिसका प्राथमिक उपचार और जितना एंटी रेबीज वैक्सीन है, टिटनस टॉक्सॉइड है, वो सब दिया गया है, प्राथमिक उपचार भी दिया गया। सर, जैसे कि यहाँ पर रोज़ कितनी वैक्सीन आ जाती है हमारे यहाँ? नहीं, डेली नहीं, वो ज़रूरत के हिसाब से जितनी वायल हमको ज़रूरत होती है उसके बाद अगले दिन इंडेंट करते ही आ जाती है। ऐसा यूजुअली नहीं होता है, कभी कभी CMO ऑफिस से नहीं अवेलेबल हो पा रही है या तो सप्लाई में नहीं होने के कारण भले ही हो जाता हो। जब से मैं आया हूँ तब से ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ है कि वैक्सीन ना हो। देखिए, ऐसा पहले पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि वन विभाग से परमिशन लेने के बाद बंदरों को पकड़वाने के लिए टेंडर निकले और इसके बाद जो है उनका एक कर्मचारी जो है साथ में जाएगा और जिस भी जंगल में वो कहेंगे उस जंगल में छोड़ने की व्यवस्था होती है। पिछली बार मैंने कराया था, लेकिन टेंडर होने के बाद भी जिस आदमी को कहा गया वो रेटों को लेके आया नहीं। वर्तमान में बात चल रही है, इस तरह की शिकायतें आई, तहसील से भी मेरी जानकारी में आया था, तो जल्द ही इस पर जो है वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके और इसको नए तरीके से फिर निकाला जाएगा।